चैप्टर प्रोज के अफेलो ट्रेवलर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर आपका प्रोज का अफेलो ट्रेवलर, जिसके लेखक हैं एजी गार्डनर। ठीक है, तो अब हम जानेंगे आज इसकी कहानी के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि एक बार जो लेखक हैं एजी गार्डनर, वो लंदन से मिडलैंड की ओर यात्रा कर रहे होते हैं रेलगाड़ी से। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड बाय ट्रेन। तो लंदन से मिडलैंड की ओर रेल से वो यात्रा कर रहे होते हैं। तो रेल में क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि रेलगाड़ी जो होती है उसमें डब्बे रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग भरे रहते हैं। अब क्या था, जो लेखक थे एजी गार्डनर, उनके डब्बे में भी बहुत सारे लोग थे, और लोग होते हैं तो बातचीत करते रहते हैं, उससे शोर शराबा भी रहता है, हल्ला मल्ला सा बना रहता है, ओवरऑल शांति नहीं रहती है। होता क्या है कि रेल स्टेशनों पे उतरती या रुकती जाती है और उसमें से लोग उतरते जाते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब अपने डब्बे में जो लेखक है एजी गार्डनर, वो अकेले ही बचते हैं। अब क्या होता है कि लेखक के विचार में, जो राइटर है एजी गार्डनर, उनके मन में विचार आ रहा होता है कि अब मैं अकेला हूं, मैं खुद से भी बातें कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पर गोल्फ खेल सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पर कंचे खेल सकता हूं, बिल्कुल कंचे। और अगर आपको ये पेपर में लिखने के लिए कभी कंचे लिखना हो तो कंचे को इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल्स। ठीक है, तो आप सीरियसली क्या है कि जो लेखक थे उनके मन में विचार आता है कि मैं यहां पर अकेला हूं, मैं खुद से भी बातें कर सकता हूं, मैं जिस सीट पर चाहूं उस सीट पर बैठ सकता हूं, जहां चाहूं वहां लेट सकता हूं, चाहूं तो यहां मैं गोल्फ खेल सकता हूं और चाहूं तो मैं यहां पर कंचे भी खेल सकता हूं। तो लेखक इस तरह के विचारों को कर रहे होते हैं। लेखक के हाथ में अखबार होता है, उस अखबार को एक साइड रख देते हैं और सिगरेट पीने लग जाते हैं। ठीक है, अब सिगरेट पीते हुए क्या होता है कि फिर इसके बाद में उनकी नाक पर आकर के एक मच्छर बैठ जाता है। मच्छर आता है और उनकी नाक पर बैठ जाता है। जो लेखक है वो उसे उड़ा देते हैं और उसके बाद लेखक जो है फिर आकर के उनकी गर्दन पर बैठ जाता है। फिर वो गर्दन पर से भी वो हटा देते हैं तो फिर उसके बाद में वो उनके हाथ पर आकर के बैठ जाता है। तो इस तरीके से मच्छर जो है वो लेखक को परेशान करना शुरू कर देता है। अब जो लेखक है वो मच्छर को अपशब्द कहते हैं। अपशब्द क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम बिना टिकट लिए यात्रा कर रहे हो, तुम ऐसे लोग हो जो लोगों को परेशान करते हैं, उनका खून पीते हैं, इस तरह से उसके लिए अपशब्द कहते हैं। इसके बाद में लेखक क्या करते हैं, उसे लगातार मारने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि मच्छर आगे बैठ गया, मक्खी बैठ गई तो उसे मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो लेखक थे वो भी कर रहे थे, पर सब विफल हो जाता है, पर वो मच्छर को मारने में कामयाब हो ही नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद लेखक बैठते हैं तो उन्हें लेखक मच्छर से काफी सहानुभूति होती है। वो कहते हैं कि ये जो मच्छर था इसने मेरा इतना सारा टाइम काट दिया, इसने तो मेरा साथ निभाया है, मैं रेल में अकेला चल रहा था, ये जो मच्छर है इसने तो मेरा वक्त गुजारा है, तो ये तो मेरा सहयात्री हुआ। तो वो ये कहते हैं ये तो मेरा फिर सहयात्री हुआ। फिर वो उसकी ओर मित्रता की तरह करते हैं कि वो मेरा मित्र है एक तरह का, जिसने मेरा साथ निभाया है, और उसे वो अपना सहयात्री कहते हैं। अगर कभी भी फेलो ट्रेवलर आता है तो इसका मतलब मच्छर की बात चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सहयात्री उसे कहते हैं, और मच्छर की बातों को सोचते हुए वो मगन हो जाते हैं कि भाई मच्छर ने मेरा किस तरह से टाइम काटा, क्या क्या किया। तभी उनका स्टेशन आ जाता है और कुली उन्हें आवाज देता है और बताता है कि स्टेशन आ गया है। इसके बाद लेखक अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और यहाँ पर ये जो है वो कहानी खत्म हो जाती है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कहानी जल्दी से। तो एक बार क्या था कि लेखक जो थे वो लंदन से मिडलैंड की ओर रेल से यात्रा कर रहे थे। रेल में बहुत सारे लोग थे तो शोर शराबा हो रहा था। अब एक एक करके स्टेशन पर लोग उतरते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लेखक अपने डिब्बे में अकेले बचते हैं। और लेखक सोच रहे होते हैं कि भाई अब मैं कंचे खेल सकता हूँ यहाँ पे, मैं चाहूं तो जिस कुर्सी पे चाहूं, जिस सीट पे चाहूं उस सीट पर बैठ सकता हूँ, जहां से चाहूं वहां से बाहर की ओर देख सकता हूँ, चाहूं तो मैं यहाँ पर गोल्फ खेल सकता हूँ। इस तरह से लेखक बहुत सारी बातें अपने आप में सोच रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद लेखक जो है वो क्या करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं कि तभी एक मच्छर आकर के उनकी नाक पर बैठ जाता है। फिर वो उसे उड़ा देते हैं तो इसके बाद ऊपर गर्दन पे और हाथ पे इस तरह से बैठता रहता है लेखक के, और उन्हें परेशान करता रहता है। इसके बाद जो लेखक है वो मच्छर को अपशब्द कहते हैं और कहते हैं कि ये जो है मच्छर ये बिना टिकट के तो यात्रा कर रहा है और लोगों का खून पीते हो तुम लोग। फिर इसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करते हैं कि ये मर तब भी जाए, तो वो फाइनली मरता नहीं है, वो उनके सारे जो प्रयास थे वो विफल हो जाते हैं। इसके बाद जो लेखक हैं उन्हें मच्छर से काफी सहानुभूति होती है और सोचते हैं कि ये तो मेरा मित्र है, एक सहयात्री है, जिसने मेरा इतना वक्त गुजार दिया, मैं अकेला ही तो चल रहा था, इसने मेरा समय गुजार दिया। वो इस सब बात में वो सोच रहे होते हैं, मगन होते हैं कि तभी कुली उनका स्टेशन आ जाता है और कुली उन्हें आवाज देता है कि आपका स्टेशन आ चुका है, और वहां पर वो उतर जाते हैं।
यहाँ पे कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये थी इसकी कहानी। काफी कहानी काफी इंपॉर्टेंट होती है, कहानी के आधार पर ही पैसेज होगा, कहानी के आधार पर ही आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिए। तो ये थी कहानी, इसके बाद देखेंगे इसके पैसेज कैसे करने हैं।